दोस्तों अक्टूबर का मंथ काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईयर एंड से पहले सभी कार कंपनियों के लिए फेस्टिवल सीजन में अपनी सेल को हाईएस्ट पर ले जाने का सबसे बड़ा मौका रहा और सभी कार मेकर ने अक्टूबर में दीपावली सीजन में अपनी हाईएस्ट सेल ग्रोथ के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया, अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए, नए नए मॉडल लाए, फेसलिफ्ट मॉडल के अलावा फीचर्स अपडेट किए गए और इतना बड़ा मौका इसके बाद में आता है न्यू ईयर सेल पर, तो यानी कंपनियों ने इसमें पूरा दमखम लगाकर दीपावली के टाइम पर अपनी सेल्स को ग्रोथ किया। और इस बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं किस कंपनी ने यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग की या कौन सी कंपनी इस रेस में पीछे रह गई, इसमें से काफी कुछ डेटा आ चुका है जो आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है, यानी कौन सी कंपनियां टॉप वन पर पहुंची। और इसमें भी सबसे बड़ा तहलका मचाया है एक ऐसी स्वदेशी कार निर्माता कंपनियों ने जो कि अपनी खास तौर से एसयूवी गाड़ी के लिए जानी जाती है। हालांकि यहां पर मार्केट में स्वदेशी ब्रांड में भी टाटा और महिंद्रा ऐसे हैं जिनकी एसयूवी काफी दमदार हैं, लेकिन मेन पॉइंट आता है कि यहां पर जिसने अपनी सेल्स सबसे ज्यादा की और जिसने सबसे ज्यादा सेल्स की वही मार्केट का किंग बना, तो इसमें महिंद्रा का काफी तगड़ा दबदबा रहा और महिंद्रा मोटर्स ने एसयूवी सेल्स में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, न केवल अदर कंपटीटर ब्रांड का बल्कि अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए सबसे ज्यादा सेल की। अक्टूबर 2024 में 54,504 यूनिट की सेल की जो खुद महिंद्रा की सितंबर मंथ में लगभग 51,062 थी, यानी अपनी सेल्स का भी रिकॉर्ड 3,500 यूनिट से ज्यादा से तोड़ दिया यहाँ पर महिंद्रा मोटर्स ने। और अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें टाटा मोटर से या किसी अदर ब्रांड से तो आगे आपको इस बारे में काफी कुछ डेटा मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर 2023 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहां पर महिंद्रा का खुद का डेटा था केवल 43,807, यानी सेम टाइम में अगर आप देखते हैं यानी कुल मिलाकर अप्रोक्स 25% की यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की है महिंद्रा मोटर्स ने, जो काफी तगड़ी ग्रोथ है। और सितंबर में भी अगर आप देखते हैं अक्टूबर 2024 में तो 3,500 यूनिट या महिंद्रा मोटर्स द्वारा ज्यादा सेल की गई। और अगर आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ गौर किया है, पिछले कुछ टाइम से टाटा मोटर्स की सेल्स का डाउनफॉल चल रहा है। ऑल टाइम अगर आपने देखा होगा लॉन्ग टाइम से टाटा मोटर्स नंबर 3 पर रहती थी, हुंडई नंबर 2 पर, हालांकि बीच में कुछ मंथ में टाटा मोटर्स ने हुंडई को भी क्रॉस किया, नंबर 2 पर पहुंची, नंबर 1 पर मारुति बनी रहती थी, लेकिन यहां पर काफी उलटफेर हुआ अगर आप देखते हैं या अक्टूबर 2024 में। दोस्तों इससे पहले जाने कि टाटा और मारुति का परफॉर्मेंस क्या रहा, महिंद्रा ने सबसे बड़ा जो यहाँ पर ग्रोथ किया है, खासतौर से एसयूवी ही महिंद्रा के मेन पोर्टफोलियो में आती है और इसमें भी सबसे बड़ा जो फेवर महिंद्रा को मिला, एक ऐसी गाड़ी जो महिंद्रा की काफी कम तादाद में सेल होती थी एक्सयूवी 300, आप जानते होंगे जब इसका अपडेट नहीं आया था, लेकिन इसका जब से लेटेस्ट वर्जन आया है एक्सयूवी 3XO के नाम से काफी तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है। फर्स्ट प्लस पॉइंट आप महिंद्रा मोटर्स का यह भी मान सकते हैं। सेकंड जो सबसे तगड़ा यहां पर आप टर्निंग पॉइंट्स मान सकते हैं, महिंद्रा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटेड 5-डोर थार को भी लॉन्च किया और ये जस्ट पहले हुआ फेस्टिवल सीजन से पहले, तो काफी तगड़ा रेस्पॉन्स यहाँ महिंद्रा को मिला इतनी तगड़ी यूनिट सेल होने के बाद में, तो दोनों ही गाड़ियां काफी फेवरेट रही। इसके अलावा महिंद्रा मोटर्स ने अपनी एक एसयूवी का बेस वेरियंट का प्राइस भी यहाँ पर कम किया, एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ एक्स शोरूम प्राइस भी महिंद्रा मोटर्स द्वारा कम किया गया। हालांकि टाटा मोटर्स ने भी अपने एक एंट्री लेवल का एक्स शोरूम कम किया था, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर की गई थी। और दोस्तों थार जैसी गाड़ी पर तो महिंद्रा ने लाखों के डिस्काउंट्स दिए, डिस्काउंट्स ऑफर भी आपके लिए टाइमली अपडेट किए गए थे फेस्टिवल सीजन में। कुल मिलाकर यहां कह सकते हैं कि महिंद्रा मोटर्स की रणनीति विनिंग रणनीति रही और विनिंग रणनीति ने उसको रिजल्ट दिया इतना तगड़ा। और खास तौर से महिंद्रा की गाड़ियों की अगर बात करें, चाहे वो स्कॉर्पियो है, एक्सयूवी 700 है या फिर महिंद्रा लेटेस्ट थार है 5-डोर वाली, मार्केट में तगड़ा रेस्पॉन्स मिला और जिसके रिजल्ट में महिंद्रा की सेल्स तगड़ी होनी ही थी, ये भी कारण है। दूसरा बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है महिंद्रा की पोर्टफोलियो की, हालांकि लोग आज भी कहते हैं स्कॉर्पियो और दूसरी बोलेरो महिंद्रा का तुरपका इक्का है आज भी, चाहे वो आपका देहात है या इसके अलावा सिटी है, सभी जगह मोस्ट पॉपुलर है। और यहाँ पर महिंद्रा के बाद अगर बात करें तो एक ऐसी कंपनी जिसे आप कह सकते हैं मिरेकल कर दिया उसने, जी हाँ दोस्तों एमजी ने इस बार सच में मिरेकल किया है, कह सकते हैं एमजी ने खुद अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट कर दी है,
क्योंकि एमजी बन गई है एक ऐसी कंपनी जिसने देश में सबसे ज्यादा ईवी सेल्स की है, जो रिकॉर्ड टाटा मोटर्स के नाम होता था। जी हाँ दोस्तों, एमजी ने यहाँ पर टोटल सेल्स भी आप देखिए तो अच्छी खासी की है अक्टूबर में 7045 यूनिट की, जो सितंबर में थी 4588, यानी 70% यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान है, यानी सबसे बड़ा इसमें जो पोर्टफोलियो बना विंडसर ईवी का बना, जिसने 3000 से ज्यादा लगभग 3111 या 12 यूनिट की सेल की, तो तगड़ी सेल आप कह सकते हैं। लगभग 50% या 45% आप मानिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी का योगदान रहा एमजी की सेल में, तो एमजी ने भी काफी तगड़ा यहाँ पर मिरेकल कर दिया है। और इसके बाद टाटा के पोर्टफोलियो की अगर बात करें दोस्तों, तो टाटा ने यहाँ पर अक्टूबर 2024 में 48131 यूनिट की सेल्स की है, जो थोड़ा कम आप मान सकते हैं, जो कि अक्टूबर 23 में थी 48337, यानी मामूली सा कुछ डिफरेंस आया है। हालांकि अगर सितंबर से अगर आप कंपेयर करें अदर ब्रांड्स की तरह, टाटा मोटर्स भी यहाँ विनिंग रहा 41043, क्योंकि यहाँ लगभग आप समझ सकते हैं 7000 ज्यादा यूनिट की सेल हुई है। तो दीपावली सीजन का या फेस्टिवल सीजन का अगर महिंद्रा मोटर्स ने बेनिफिट लिया, टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट हुआ और एमजी मोटर्स को भी काफी तगड़ा यहाँ पर बेनिफिट हुआ। लेकिन मेन पॉइंट आता है जो फेस्टिवल सीजन का सबसे बड़ा आप बेनिफिट किस कंपनी को मिला, क्योंकि अभी कुछ टॉप ब्रांड्स बाकी हैं, जैसे कि आपकी हुंडई मोटर्स है या इसके अलावा मारुति सुजुकी है। और दोस्तों ज्यादा आप स्वदेशी ब्रांड्स के बारे में अगर बात करें तो महिंद्रा की रणनीति सबसे ज्यादा यहाँ सक्सेस रही है। अगर यहाँ कंपेयर करें आप एसयूवी सेगमेंट में, तो टाटा मोटर्स की भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि नेक्सॉन है या पंच है। टोटल अगर आप सेल्स भी देखेंगे उठाकर किस गाड़ी की कितनी सेल्स हुई, तो यहाँ पर नेक्सॉन और पंच का सबसे बड़ा हर बार योगदान होता है। जैसे कि महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आप देखते हैं कुछ पर्टिकुलर गाड़ियां हैं जो सबसे टॉप पर सेल होती हैं। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान करें दोस्तों, यहाँ पर टाटा मोटर्स की कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो वास्तव में काफी बेटर है, हैरियर सफारी जैसी काफी कंफर्टेबल है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, एडवांस फीचर्स आता है, लुक भी बेटर है और टाटा मोटर्स ने काफी कुछ अपडेट भी किए हैं। बावजूद इसके कंपेयर में लोगों ने यहाँ पर एक्सयूवी 700 या फिर कह सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो को या फिर थार जैसी गाड़ियों को पसंद किया, और यही कारण है कि महिंद्रा की सेल्स टॉप पर पहुंची और फोर्थ नंबर पर यहाँ पर टाटा आया, अगर थर्ड नंबर पर यहाँ पर महिंद्रा मोटर्स रही। और इसके बाद में जो सबसे तगड़ी ग्रोथ मिली वह मिली है आपको हुंडई मोटर्स की। जी हाँ, अक्टूबर मंथ में हुंडई मोटर्स ने 55568 यूनिट की सेल की है, यानी 2024 अक्टूबर में। 2023 में यानी सेम पीरियड से आप कंपेयर करके देखिए 55128 है, तो थोड़ी सी ग्रोथ तो यहाँ हुंडई मोटर्स को भी मिली है। सितंबर में जो केवल 51101 थी सितंबर 2024 में, यानी फेस्टिवल सीजन में जो हुंडई मोटर्स ने अपनी सेल्स के लिए रणनीति बनाई, आप डिस्काउंट ऑफर्स कह सकते हैं या जो हुंडई मोटर्स द्वारा अपडेट किए गए फीचर्स लेवल पर, तो दिवाली इफेक्ट या हुंडई मोटर्स के लिए भी तगड़ा काम कर गया है। 4000 से ज्यादा यूनिट यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेल हुई है हुंडई मोटर्स की भी। और सबसे बड़ा जो एसयूवी का मामला आप कहें तो इसमें भी अगर आप सेल्स देखेंगे हुंडई मोटर्स की टोटल गाड़ियों की सेल, हालांकि अभी इसके बारे में ब्रांड द्वारा, किसी भी ब्रांड द्वारा, चाहे वो टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, टाटा है या इसके अलावा अदर ब्रांड्स है, अभी पर्टिकुलर गाड़ियों के बारे में डेटा नहीं मिला है, तो जैसे ही डेटा मिलेगा आपके साथ चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ बात करें जो सबसे बड़ी एसयूवी रही जो देख सोच रहे हैं इस बारे में, यानी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, तो क्रेटा यहाँ टॉप पर सेलिंग रही है टोटल पोर्टफोलियो में। हुंडई के डेटा जो भी आएगा आगे शेयर कर दिया जाएगा। बात करते हैं मारुति सुजुकी की, नंबर वन पर नेचुरली ही मारुति सुजुकी रही 159591 यूनिट के साथ में अक्टूबर 2024 में, जो अक्टूबर 2023 में थी 168047। तो बेशक आप यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ी लेस सेलिंग हुई है, कम सेलिंग हुई है मारुति की, लेकिन काफी बड़ा आंकड़ा है अगर आप इसे देखें तो। बहुत से तो टोटल ब्रांड्स की भी इतनी सेल नहीं होती है जितनी मारुति की कुछ गाड़ियों ने अकेले अकेले सेल्स की है सितंबर 2024 से। बेशक आप मारुति को अगर कंपेयर करें तो 144962 यूनिट होती है, यानी कि मारुति ने यहाँ पर काफी तगड़ी सेल्स दीपावली पर की, 14-15 हजार से ज्यादा यूनिट सेल की है, तगड़ी यूनिट जिसे आप मान सकते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट यानी मंथली जो सेल होती है।
अब यहां पर बेशक आप कह सकते हैं कि टॉप वन पर कौन सी गाड़ी रही, क्योंकि ये तो टोटल ब्रांड्स की सेल है जो ऑफिशियल अपडेट हुआ है दोस्तों। और वैसे भी जहां तक सोचा जाए तो चार ऐसी गाड़ियां आप मान सकते हैं, इनमें से ही कोई टॉप वन पर रही होगी। आप भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से कौन सी ऐसी गाड़ी है नंबर वन पर एसयूवी सेगमेंट में, टॉप 25 कहें या टॉप 10 कहें, क्रेटा का या ब्रेजा है मारुति की या पंच है या स्विफ्ट है, इनमें से ही कोई टॉप पर रही होगी। और जैसे ही दोस्तों ऑफिशियल अपडेट होता है ब्रांड्स द्वारा टॉप 25 गाड़ियों के बारे में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा YouTube पर बहुत से चैनलों पर एक तारीख में ही आपको टॉप 25 की लिस्ट मिल चुकी है। अब इस तरह की रिपोर्टिंग तो आपके चैनल पर नहीं की जाती है, तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं टोटल सेल्स में, जिसमें नंबर वन पर मारुति रही, नंबर टू पर हुंडई रही, नंबर थ्री पर महिंद्रा रही, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है आप देखिए, महिंद्रा धीरे धीरे जा रहा है आपका हुंडई के करीब, थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस है, पॉसिबल है नेक्स्ट कुछ मंथ में या हुंडई को महिंद्रा क्रॉस कर जाए। लेकिन टाटा मोटर्स की सेल्स यहाँ पर डाउन हो रही है, यानी कुछ रणनीति ऐसी क्या हो रही है टाटा मोटर्स की, तो टाटा को यहाँ बहुत कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है। ऑल टू ऑल ये हैं सारी रिपोर्ट जो भी ब्रांड्स द्वारा यहाँ पर शेयर की गई हैं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी रणनीति बेस्ट काम कर रही है और इसी कारण उसे सबसे बड़ा यहाँ रिजल्ट मिला है सेलिंग के मामले में, चाहे वो फेस्टिवल सीजन का हो, नेक्स्ट इसके बाद जो सबसे बड़ा सेलिंग का टाइम तो आप जानती हैं न्यू ईयर पर आने वाला है, बाकी स्टॉक क्लियरेंस सेल वगैरह नेक्स्ट डेढ़ या दो मंथ में चलने ही वाली है, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और जो इसमें जो भी बेस्ट ऑफर्स अपडेट होंगे ब्रांड द्वारा वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।